हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये देखिए कटिंग डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। गाइज, इस डिज़ाइन से आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को एक बिगिनर भी इजीली बना सकता है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है और बैक साइड से ऐसा दिखता है। गाइस, इस डिज़ाइन का यूज करके आप स्वेटर बना सकते हैं, उसरा, जैकेट या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। गाइस, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदा डालना है प्लस 5 फंदा एक्स्ट्रा डालना है। चलिए फंदा ऐसे डाल लेते हैं पूरा, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने 8 के मल्टीपल फंदा डाल लिया है प्लस 5 फंदा एक्स्ट्रा रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। देखिए, इसके लिए पहला फंदा जो है ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदा हमें सीधा बुनना है। 1 2 3। देखिए, 3 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनना है, उसके बाद धागा को देखिए सिलाई पे ऐसे घुमाते हुए एक जाली बना लेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा को ऐसे घुमाते हुए एक जाली वाला फंदा बुनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, 3 फंदा बुने, फिर से एक जाली वाला फंदा बुनाएंगे, 4th फंदा बुन लिया उल्टा, फिर से एक जाली वाला फंदा बुनाएंगे और 1 फंदा ऐसे उल्टा बुन लिया। देखिए, यहाँ पे 1 फंदा स्लिप किए थे, 3 फंदा सीधा बुने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 फंदा ऐसे उल्टा बुने हैं। उसके बाद देखिए, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और 3 फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे। इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 3 फंदा सीधा बुने हैं, यहाँ पे भी 3 फंदा सीधा बुने हैं। क्या ये 3 फंदा ये 2 डिजाइन के बीच में गैप डालने के लिए सीधा बुने हैं। आप यहाँ पे और 2 फंदों का गैप डालना चाहें तो 2 फंदों का गैप भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 जाली वाला फंदा बुनाएंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 जाली वाला फंदा बुनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, 3 फंदा बुने, फिर से 1 जाली वाला फंदा बुनाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 जाली वाला फंदा बुनाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। टोटल हमारा 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। देखिए, 5 फंदा उल्टा बुने हैं और 4 जाली वाला फंदा बुना है। धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदा जो है धागा अपनी तरफ करके ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब सेकेंड रो में देखिए हमें क्या करना है। सेकेंड रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए 3 फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए, ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे स्लिप कर देंगे, ये बिना हुआ फंदा उठाएंगे, ये जाली वाला फंदा स्लिप करेंगे और 1 बिना हुआ फंदा उठाएंगे, जाली वाला फंदा स्लिप करेंगे। देखिए, 2 फंदा ऐसे उठा लिए, उसके बाद वापस इस सिलाई पे लेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और इसको पहले ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। इस तरीके से देखिए हो गया। इसके बाद फिर से इस फंदे को खोलेंगे और जाली वाला फंदा स्लिप कर देंगे।
इस तरीके से देखिए तीन फंदा डालिए। तो इस फंदे को बुनना नहीं है, इसको स्लिप करेंगे और इस फंदे को देखिए लास्ट के फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके बीच से ऐसे लाएंगे। इस फंदे को नहीं बुनना है, ऐसे ही बिना बुने ही सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। देखिए ये हमारी डिजाइन इस तरीके से बन रही है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे देखिए तीन फंदा उल्टा दिख रहा है तो तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, ये जाली वाला फंदा स्लिप कर लेंगे, एक दो ये जाली वाला फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को इसमें से ऐसे क्रॉस कर लेंगे, सेकेंड फंदे को पहले बुनेंगे एंड फर्स्ट फंदे को लास्ट में। फिर से तीन फंदा देखिए, एक दो तीन ऐसे उठाएंगे। इस फंदे को नहीं बुनना है, बीच वाला फंदा ऐसे ही स्लिप कर लेना है, इस सिलाई पे फंदे को उठाएंगे और ऐसे लाएंगे, इसको सीधा बुन लेंगे। इस वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, लास्ट का फंदा ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब थर्ड रो में देखिए, थर्ड रो में हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे जो फर्स्ट रो में अपनाए थे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद एक जाली वाला फंदा बुनाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक जाली वाला फंदा बुनाएंगे, एक तीसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद जाली वाला फंदा बुनाएंगे, फिर से चौथा फंदा भी उल्टा बुनेंगे, एक जाली वाला फंदा बुनाएंगे, पाँचवा फंदा ऐसे उल्टा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और ये एक जाली बनाते हुए तीन फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से एक बार और देखिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक जाली बना लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, तीसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, चौथा फंदा भी उल्टा बुनेंगे और एक जाली बना लेंगे, पाँचवा फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और एक जाली ऐसे बनाते हुए ऐसे सीधा बुन लेंगे, बाकी के दो फंदे भी सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा ऐसे बुन लेंगे। अब फोर्थ रो सेकेंड रो की तरह बुनेंगे। सो गाइज, यही दो रो की डिज़ाइन हमें बार बार रिपीट करनी है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।